पेपर कैसा था आपका? फिजिक्स टफ आया क्या? नहीं ठीक था, बच्चे कह रहे बहुत टफ आया है। नहीं ओके ठीक था। मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा ही थी जी? हाँ उसका पार्ट ज्यादा था। तो आपका टोटल स्कोर की कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि जो कट ऑफ जा रहा है वो 650 के आसपास। हाँ ये तो बात है, ये तो बात। यस बच्चे हटा दीजिए। आपका शुभ नाम? कशिश खान। आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। तो फिजिक्स टफ आता है? मुश्किल इजी था? फिजिक्स टफ था। दिखाओ पेपर। आपका नाम बताओ? खुशी खालिद। आप तो वो छोटी सी लग रही हो, अभी 12th किया है साल ही? नहीं लास्ट ईयर। अच्छा दोनों तक ही बहने। आप इनके पापा हैं? तो देखिए पेरेंट्स भी साथ में हैं और बच्चे खुश लग रहे हैं। पेपर अच्छा हुआ है सर? जी अच्छा हुआ। तैयारी करी थी आपने? आप किया है? सेल्फ स्टडी है, कोचिंग नहीं ली हमने। अच्छा पेपर एनसीईआरटी से आया बाहर से आया? कुछ बताओ। एनसीईआरटी से है पूरा? हाँ जी मतलब एनसीईआरटी था पूरा। अच्छा अरे वाह सर। तो बच्चे ये बताओ, जो बच्चे अभी पेपर देंगे उनको क्या सलाह देना चाहोगे, नीट की तैयारी कैसे करें? बताओ बेटा। एनसीईआरटी से आएगा सारा, तो एनसीईआरटी में पूरा फोकस रखना है। फिजिक्स भी एनसीईआरटी से आई है? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। आपको बताओ कैसा लगा? सही था हमारा, बस थोड़ा फिजिक्स मुझे लगता है थोड़ा पहले से मैथ भी। बायोलॉजी वाले को थोड़ा फिजिक्स से डर लगता है। और कोई सलाह देना चाहोगे जूनियर बच्चों को? हाँ बस ये है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें और जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, बस बाकी क्वेश्चन पेपर देख के पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट दोनों को। थैंक यू।